देसी क्यों हो डॉक्टर यार हूं अल्हम्दुलिल्लाह जी सामान जो है वो सारा ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह नबी के फजल करम से आज का वला करते हैं शुरू। आज जुमातुल मुबारक है, मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत जुमा मुबारक। तो आज जो हमारा डेरा है उधर थोड़े से काम है वो करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं, बिलाल भाई और समान साहब बैठे हुए हैं, हाई साहब जनाब लेटे हुए इधर आके। हाँ जी लेंदे जी बैठे माशाल्लाह। और सुनाओ से ठीक। अगर आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगी। इधर से मुसाफिर भी गुजरते हैं और जो हमारे हमसाए हैं कुछ लोग चारा वगैरह लेके आते हैं। ये रास्ते में ये जो लकड़ियाँ वगैरह हैं इनको काटते हैं, दरख्त है नीचे से तो इसको ज़रा काटते हैं और बेहतरीन काट देते हैं। चीजी लेनी है? चीजी ले आओ, चीजी चीजी ले आओ, जाओ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू करते हैं। ये जो है वो कटर आ चुका है, कटर के साथ जो सारे पौधे हैं उनके नीचे से कटाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी रास्ता जो है वो साफ हो चुका है, सारी लकड़ियाँ नीचे गिर रही हैं। अभी इनको उठा के एक साइड पे करते हैं। माशाल्लाह जो भी गुजरेगा उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाड़ी में भाई साहब काफ़ी गंदी हो चुकी है, तो गाड़ी को आज करते हैं वॉश। अगर मैं गाड़ी में बैठेगा पीछे करते हैं, फिर पाइप लगा के मेरी मोटर लगी हुई है उसके साथ गाड़ी को वॉश करेंगे। बटे पक्या सबर करे ते हीरे टैं करे ओ यार मुहम्मद ना कचरे ना खीरे। चंगिया लाज जी अज दसाब जी माशाल्लाह तबारकअल्लाह फूल माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। जुमातुल मुबारक की अजान जो है पहली हो चुकी है, अभी जाते हैं मस्जिद में और जाके जुमा अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज जुमा मस्जिद में अदा करके घर पहुंच चुका हूं। आज हमारे घर में माशाल्लाह बहुत ही बड़ी इफ्तारी है, बड़े ही खास मेहमान आने वाले हैं। उनकी तैयारी के लिए अभी जल्दी से जाना है चिविंडा, और चिविंडा से कुछ सामान लेके आना है, गोश्त वगैरह लेके आना है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आना है, और भी जो सामान है वो लेने चलते हैं, निकलते हैं। पहले ही जुमा पढ़ते लेट हो चुकी है, अभी जल्दी से जाते हैं चिविंडा और सामान जो है परचेज करके लेके घर आते हैं। मैं माशाल्लाह तैयारियां जो है अभी से चल चुकी हैं, तैयारियां जो शुरू हो चुकी हैं, अभी जल्दी से जो सामान बाकी रहता है चिविंडा जाते हैं चिविंडा और लेके आते हैं। शरोज मेहर साहब और मैं दोनों जा रहे हैं चिविंडा, तो अभी जाते हैं चिविंडा जल्दी से जो सामान इफ्तारी के लिए लेके आना। शरोज भाई आज जल्दी आ गए हैं आप इफ्तारी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी चिविंडा पहुंच चुके हैं। चिविंडा बाजार में सबसे पहले जाकर गोश्त वाली शॉप पे जाएंगे, उधर से गोश्त लेते हैं, फिर दूसरा काम करते हैं। गोटियाँ सर छोटी छोटी रखे, छोटी मशहूर जो माशाल्लाह गोश्त का काम करते हैं आसिफ हुसैन का नाम है, बहुत ही पुरानी इनकी शॉप है माशाल्लाह। ये दो तीन बंदे इनके पास काम करते हैं, तो फिर जाके रश होता है काफ़ी ज़्यादा और लाइन में लग के इनसे गोश्त ले रहा था। खजूर वाली शॉप पे पहुँच चुके हैं, इधर से लेते हैं खजूरें। भैया कौन सी हैं? ईरानी ईरानी खजूर।
ये माशाल्लाह हर नस्ल की खजूर लगी हुई इनके पास, रानी खजूर जो है वो करवाते हैं। अलहमदुल्ला जी सामान जो है वो सारा ले लिया है, तो रमज़ान की रूटीन है, रेट से काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इंशाल्लाह चलते हैं जाके, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अभी जाके इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। मौसम जो है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, सूरज ग्रूब हो रहा है, बाद असर के जो गाँव का नज़ारा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा होता है। नमाज असर का टाइम हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर मस्जिद में जाके अदा करते हैं, अभी जल्दी से नमाज की तैयारी करते हैं और जाते हैं मस्जिद, और मेहमान जो हमारे आ रहे हैं बड़े ख़ास आ रहे हैं, उनकी इफ्तारी का भी जो तैयारी है वो भी जल्दी से क्लियर करते हैं। तारीख का जो टाइम भाई साहब होने वाला है, अभी माशाल्लाह तैयारियां चल रही हैं, खरबूजा भी भाई साहब काट के माशाल्लाह रख दिया है, अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से माशाल्लाह तैयारियां चल रही हैं, अभी पानी वगैरह भी बनाना है, तो जो मेहमान है वो भी आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी दस्तरखान जो है वो तकरीबन लग चुका है, अभी मेहमान इंशाल्लाह आते हैं, पहले इफ्तार करते हैं और इफ्तारी करने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो खाना खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा इफ्तार जो है वो हो चुका है, अभी माशाल्लाह जो पहले बर्तन है वो सारे उठाएंगे, फिर इंशाल्लाह थोड़ी ही देर बाद इंशाल्लाह मेहमानों के लिए दोबारा खाना लगाया जाएगा, फिर इंशाल्लाह खाना खाते हैं। खाना माशाल्लाह जो लग चुका है, खाना पहले जो बर्तन थे वो उठा लिए हैं, अभी खाना माशाल्लाह लग चुका है, तो अभी मेहमानों को बुलाते हैं और इंशाल्लाह खाना खाते हैं। देसी क्यों डॉक्टर भाई जा रहे जी जी आप साहब जी नहीं रुकना, बहुत मेहरबानी चल अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे, आपने जनाब स्पेशली टाइम निकाला तो आए हैं, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है आपकी, आप सारे भाई जो चक्कर लगा गए। मेहमान हमारे जो हैं वो अभी जा रहे हैं, गाड़ी निकालेंगे और अभी जनाब उनको सीएफ कहते हैं, इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल में हेटर्स को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अपनी फैमिली और दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, इसी के साथ मेहरदाना दीजिएगा, अल्लाह नबी आपके हमी नासर हों, अल्लाह हाफिज़।